शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अपने चाचा की वसीयत के मुताबिक मेरी शादी के एक साल बाद मुझे बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है। और अगर तेरे नसीब में शादी न लिखी हो तो? फिर भी मैं ये रकम किसी के नाम भी वसीयत कर सकता हूँ, लेकिन ये रकम उसे मिलेगी मेरी मौत के बाद ही। मैं इस लड़की के नाम उसकी वसीयत कर दूँ तो वह फौरन इस मुसीबत से आज़ाद हो जाएगी। तो कर ले वसीयत, मार ले गोली अपने आप, मेरे सर पे ये खून क्यों? डरता हूँ कि मेरी खुदकुशी से लहू के छींटे उड़कर उसकी नेकनामी को दागी न बना दें, वरना तेरी खुशामद न करता। अबे घंटे दो घंटे की मुलाकात में ही जान हथेली पर रख दी तूने। जान हथेली पर रखने के लिए तो पल भर की मुलाकात ही काफी है। तुझे जितना कहा है कर और चला जाए यहां से। मार गोली। आजकल गोलियां बहुत महंगी हो गई। देख बलदेव, तू मुझे नहीं मारेगा तो मैं तुझे मारूंगा। कामयाब हो गया तो तेरा इनाम उस लड़की को बचाएगा, मारा गया तो वो मेरी दौलत पाएगी। दोनों तरह से उसकी मुश्किल आसान होकर रहेगी। बोल क्या कहता है? बेवकूफ, सब बेवकूफ है। क्या बड़ी अनोखी बात है आज की। ये तस्वीर वाला जीवन दान करना चाहता है किसी के लिए। किसके लिए? उसके लिए जो औरत की सूरत में देवी बनकर इस धरती पर उतरी है, जिसकी शराफत आदमी को नेकियां करने पर उकसाती है, जिसको मुसीबत से बचाने के लिए एक अदना सा नौकर मेरे मुकाबले में बंदूक तान कर खड़ा हो गया। मैं खुद उस साहूकार के बेटे को गोली मारने को खड़ा हूँ। ये दीवाना उसी के लिए अपनी जान और माल कुर्बान करने को मचल रहा है। वो गोली खाए और सांप खाए। कौन? वो नौकर रामदास। दास सरदार। बलदेवा, अरे वो चौकीदार, ये गधे का बोझ लाद के कहाँ जा रहे हो? बंगले में साहब लोग ज्यादा आ गए क्या? साहब लोग नहीं भैया, अपने ही लोगों का सामान है, सबको देता हुआ जाऊंगा। अजीब बेगारी आदमी है, खाम खा दूसरों का बोझ लादे फिरता रहता है। अरे नौबत, तू कब आ? अबे नौबत के बच्चे, दो घंटे से यहाँ बैठा हूँ, कहाँ गया था तू? वो तो पहले अंदर चल, मैं तेरे लिए चिलम बनाता हूँ, बाद में बात करेंगे। रहने दे चिलम विलम, पहले ये बता कि तू गया कहाँ था। वो मैं रोटी पकाने बैठा तो साग वाग सब खत्म हो गया था, सोचा नीचे से थोड़ा आलू ले आऊं, उसी में देर हो गई। अरे बलदेवा, तेरे पीछे कोई भूत भूत तो नहीं लगा हुआ? भूत? क्या बात करता है यार। तो फिर इस थैले में आलूओं की जगह ये कोयले कैसे? बता। ये देख, मर गया। क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गए। क्या हुआ? थैला बदल गया। किससे? अब क्या मालूम किससे, 10-12 थैले थे सब मिलाकर। अच्छा, ये थैला? हाँ, ये थैला अपने रेलवे वाला नंदपुर खलासी है ना? हाँ। उसने मुझे अपने घर देने के लिए दिया था। उसके घर अब चूल्हा कैसे चलेगा? अरे मगर तेरे घर आलू कैसे पकेंगे? हाँ वो भी ठीक है। हाँ, मेरा थैला नंदपुर खलासी के घर चला गया होगा। नहीं जी, एक बात तो, तू उल्लू है। कुछ भी कहे, तू तो यार है। यार के भैया, मैं ये पूछता हूँ कि तू दुनिया भर की बेगार अपने सर पर लादे क्यों फिरता है? यार बेगार क्या, सब अपने ही लोग हैं, किसी का छोटा मोटा काम करने में क्या बिगड़ता है? जितने अपने हैं ना, सब के सब तुझे पिंजरा पुल का सांड समझते हैं। सांड? पिंजरा पुल। बलदेव, आ बलदेव। लो आ गई तुम्हारी दादी, अब निपटो इससे।
केले, अमरूद, सेब और हाँ संतरे। तो दीदे फाड़ के देख, सेब संतरे है इस थाले में। अरे बोलता क्यों नहीं, बोल। देख लेना बस, धर्म कर्म के दिन कैसा गजब किया है इस मर्जाने ने। फल फलारी की जगह मांस मिट्टी पकड़ा दी लाके मुझे पापी ने। अरे राम अरे राम, अरे मौसी यहाँ गंगा जल भी नहीं मिलेगा कहीं। वो गलती हो गई दादी, ये तो कादर बढ़ाई का थैला है। अरे तो मेरा भी तो होगा कहीं। तुम्हारा थैला दादी वो उसके पास चला गया होगा। तुम चलो मैं अभी पता लगा के आता हूँ। अरे रहने दे तेरे आते पते को, मेरी चवन्नी मुझे वापस कर दे बस, मैं घर पाई भैया। नौबत मुझे जरा भगवान तेरा भला करे। ये लो दादी। जाने किसका मुंह देखा था आज सुबह सुबह। भूल हो गई दादी, भूल हो गई दादी। बोल अब मानता है क्या? यही कि तू उल्लू है। किसी के साथ भलाई करने वाले को उल्लू कहते हैं? बल्कि आजकल उल्लू का पट्टा कहते हैं। अब थोड़ी देर बाद बड़े आएगा तेरा मातम करने और ननकू खलासी आएगा तेरा भूत उतारने। बलदेव, ओ बलदेवा। लो आ गए तुम्हारे चचा जान, जाओ संभालो उन्हें, जाओ जाओ। सलाम चचा। सलाम के बच्चे, हमारे तो मेहमान भूख से बिलबिला रहे हैं और तुम दलीलें नवीसी कर रहे हो इतने ठेले के साथ। चचा मैं वो... अरे गोश्त नहीं लाना था तो इनकार कर देते, हमने तुम्हें अपना आदमी समझ के काम बताया था। अच्छा मेरी बात तो सुन। अरे लाहौल पड़ो मियां, तुमने तो मेरी खिचड़ी करवा दी चार आदमी ने। चाची ये रहा तुम्हारा समय, तौबा हो गई, जरा आते आते पकड़ा ही जाते तो क्या जूती खिंच जाती। ये सब इन आवारा गर्दों की संगत का नतीजा है। वो तो ठीक है, लेकिन इसके बदले में कोई फलों का थैला भी तो दे गया होगा। अबे तू कौन होता है पूछने वाला? हाँ चाचा वो फलों का थैला। फलों का नहीं करेलों का, उसकी भाजी बन गई। हाँ मर गए चाचा, वो तो बाबू बने का था। तुम्हें क्या करूँ? तो कम से कम करेलों के पैसे ही। तू बीच में मत बोल नौबत के बच्चे, करेले हमने मंगाए थे जो हम पैसे दें। लेकिन चाचा ये गोश्त के पैसे? हम क्या पैसे आंटी में बाने घूमते हैं चाचा। नौबत मैं सबका सामान देख के आता। तेरा भी बरत है क्या आज? रोटी कब पकाएगा? अरे हाँ चलो पहले रोटी पका लेता। अरे खाएगा का इसे, आलू हो गए तो कोयले हो गए। लोन मिनट से तू मेरी एक बात मानेगा? हाँ नहीं मानेगा ना मेरी बात? हाँ हाँ बोलो ना। ये रोज रोज लोन मिनट से रोटी खाएगा तो कलेजा जल जाएगा तेरा। तू शादी कर ले, पक्की पकाई रोटी भी मिल जाएगी और ये अक्कल जो खुटकल हो गई है उस पर भी धार आ जाएगी और इस खुदाई की मंगारी से भी छूट जाएगा। शर्मा रहे हैं चौकीदार? अबे तू हाँ कर तो मैं कल ही लड़की पक्की की देता हूँ, एकदम गुल बदल। ये काम तो मैं खुद ही कर लूंगा। अबे तुझसे नहीं होगा बेवकूफ, ये मामला तो बड़ा बारीक है। नौबत हम्म, लड़की मैंने देख रखी है। अच्छा असल में या सपने में? वो मेरा सपना ही है और मैं जानता हूँ उसका भी यही सपना है। बातचीत हुई कभी? तो फिर तू कैसे जान गया बौरम? उसकी नजर से। पांच हाथ के आदमी को तो पहचानते नहीं और औरत की नजर पहचानते हो? उसकी नजर पहचानता हूँ। अच्छा तो मामला क्या हो गया है? कौन है वो? है कोई, अब तुझे क्यों बताऊं? देख बलदेव, मुझे जब तेरी अकल पर भरोसा नहीं है तो भला नजर पर कैसे हो सकता है? औरत के मामले में समझदारों से जांच परख करा लेनी अच्छी होती है। एक दफा दिखा दे। देखोगे? हाँ देखो अभी। हाँ अभी। वो देख अरे बाप रे, किस मुंह की बोल को पसंद किया इसने? क्या हुआ नौबत? एक दफा मेरी नजर से भी तो देख उसकी। अरे करम छज्जू, एक मरतबा मेरी नजर से देख इस मोटी भैंस को। क्या क्या कहा मोटी भैंस? खैर अभी बता दो। अरे क्या कर रही हो? अरे मेरी मां, अरे
बलदेव मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे बाप, मेरे भाई, तू बुद्धू है, तू उल्लू का पट्टा है, तू पिंजरा पोल का सांड है, तू होली का भांड है, तेरी अकल खराब हो गई है, तू पागल हो गया है, पागल। ऐसा 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 बड़ी मर्द मार औरत है, मेरी हड्डी फसली एक करके रख दी। ये बलदेव भगवान के लिए तू उससे शादी मत कर, उससे शादी मत कर भगवान के लिए। अरे नौबत तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो नहीं थी, वो थी जो उसके पीछे खड़ी थी। कौन? गोपा। अरे तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया उल्लू के पट्टे, कम से कम उसे जी भर के देख तो लेता। तो आप देख लो ना। अब देखना देखना छोड़, मेरी मान तो तू जल्दी से उससे शादी कर, फिर देख भी लेंगे और गर्मा गर्म पकी पकाई उसके हाथ की खा भी लेंगे। लेकिन 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 कुछ नहीं, देख तू जल्दी से उसे घर ले, नहीं तो कोई उड़ा ले जाएगा। कैसे ले आऊं, कोई तरकीब बताओ ना। अरे तरकीब क्या, कभी अंधेरे उजाले में उससे बात कर लेना। क्या बात करूं? वो मैं तुझे समझाऊंगा, जल्दी चल चल। गोपा क्या है? गोपा 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 गोपा, इतना सुनते हुए तो मुझे बहुत दिन हो गए और कुछ बोलना नहीं आता। गोपा मैं तेरे साथ लगन करूंगा। दुल्हन से तुम्हारा मिलन होगा, ओ मन थोड़ी धीर धरो, बाहों में चांदी का बदन होगा, ओ मन थोड़ी धीर धरो, दुल्हन से तुम्हारा मिलन होगा, ओ मन थोड़ी धीर धरो। चांद परी है चंचल है वो तेरी है चित चोर, चांद परी है चंचल है वो तेरी है चित चोर, मुखड़े को ही तकते तकते हो जाएगी भोर, गोरी धन का तुम्हें दर्शन होगा, ओ मन थोड़ी धीर धरो, बाहों में चांदी का बदन होगा, ओ मन थोड़ी धीर धरो। वो है तेरी पद्मिनियां और तू बांका रजपूत, है तेरी पद्मिनिया और तू बांका रजपूत, गज भर की छाती रखता है दिल भी रख मजबूत, नैनो नैनो में रण होगा, ओ मन थोड़ी धीर धरो, बाहों में चांदी का बदन होगा, ओ मन थोड़ी धीर धरो, दुल्हन से तुम्हारा मिलन होगा, ओ मन थोड़ी धीर धरो। Thank you.
रामदास। हाँ बिटिया। क्या ये भी बिक जाएगी? नहीं बिटिया, जैसे औलाद नहीं बिकती वैसे माँ भी नहीं बिकती। मैंने माँ को कभी देखा नहीं, पर जब जब इस मूर्ति को देखा है तभी तब माँ की याद आई है। मेरी माँ ऐसी ही थी ना रामदास? हाँ बिटिया, मालकिन ऐसी ही थी। भरोसा रखो, ये रामदास बिक जाएगा, तुम्हारी माँ की मूर्ति कभी नहीं बिकेगी। जन्म भर की जोड़ी हुई माया आज इस तरह धूल में मिल जावेगी मालिक, जाने का है। भले
ऐसे आदमियों को नसीब ऐसा धक्का देता है। ये जिंदगी है रामदास, कुदरत का ये कानून है कि जिंदगी हमेशा चलती रहे। आदमी मर जाए और पैसा गर्दिश में रहे, ऐसा न होता तो बादशाहतें दुनिया की छाती पर एक आफत होकर रह जाती। मैं तो ये सोच रहा हूं मालिक कि ये जोर जुलम की देनदारी में जब घर घरों में नीलाम हो जाएगा तब आप अपनी अनमोल इज्जत कहां रह के बचावेंगे? मैं अपनी इज्जत आबरू के लिए फिक्रमंद नहीं। मेरे बेटे की लाडली निशानी बेघर बेदर होकर तेरी इस पोती का क्या होगा रामदास? मैंने उम्र भर आपका नमक खाया है मालिक, अब हक अदा किए बिना ही। ईमानदार के आंसू नमक से ज्यादा महंगे होते हैं रामदास। मेरे दुख में आंसू बहाकर तुम हक से भी कुछ ज्यादा अदा कर चुके हो। इसका मतलब तो यही भैया ना, क्या हम मालिक के आबरू बचाव के खातिर आंसू बहाए के सिवा कुछ न कर पाएंगे? मैं भी और क्या कर सकूंगा रामदास। मालिक, जब मेरा बेटा इस मदन लाल का कर्ज चुकाने की फिक्र में बेवक्त की मौत मर गया तो मैंने उसकी बेटी को यह कहकर बहलाया था कि बिटिया, मैंने तेरे खेलने खाने के लिए दौलत के अंबार लगा रखे, लेकिन आज मैं कुछ नहीं बचा पाऊंगा। बचाने वाले के हाथ हजार होते हैं, आप अपनी पोती के लिए खामखा परेशान हो रहे हैं। मैंने ठीक कहा ना मदन बाबू? जी हाँ। क्या मतलब? मिस्टर मदन लाल तो खुद ही ये जब्ती नीलामी रुपाने के लिए तैयार है। मैंने ठीक कहा ना मदन बाबू? जी हाँ। इस मेहरबानी की वजह? मेहरबानी कैसी, ये तो लेन देन की बात है। आप अपनी पोती रमा की शादी मिस्टर मदन लाल से करा दीजिए और ये फौरन कुर्की रद्द करवाने के लिए तैयार है। मैंने ठीक कहा ना मदन बाबू? जी हाँ। इस दो बच्चों के बेईमान बाप रंडवे मदन लाल से मैं अपनी पोती की शादी करूंगा? देखिए श्रीमान जी, मैं तो कानूनी आदमी हूं, सबका भरा चाहता हूँ, और मेरे ख्याल में मिस्टर मदन लाल की तजवीज काफी रिजनेबल है और इन हालात में इससे बेहतर कोई मैंने ठीक कहा ना? मैं तो इसे मिस्टर मदन लाल की मेहरबानी ही कहूंगा। इस जमाने में वो शादी जैसी मुसीबत में फंसकर भी अपना 120,000 रुपया छोड़ने के लिए तैयार है। एक बात पूछूं आपसे? जरूर जरूर, एक नहीं दो पूछिए। आप वकील हैं या शादियों के दलाल? ये घर और इस घर का सारा सामान आपके सामने पड़ा हुआ है, खामोशी से अपना काम कीजिए आप, मुझे किसी की मेहरबानी की जरूरत नहीं है। मदन बाबू, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। कहिए। आइए। नसीब के मारे हुए मेरे बूढ़े लाचार दादाजी के दुखते हुए दिल पर ठोकर मारकर आपको क्या मिला? मैं किसी के दिल पर ठोकर वोकर नहीं मारता। ये तुम्हारी समझ का कसूर है कि मेरा एहसान तुम्हें ठोकर मालूम होता है। क्या दूसरों की मजबूरियों से फायदा उठाने का नाम एहसान है? मैं तुम्हारी इज्जत के लिए अपना लाखों रुपए का कर्ज छोड़ रहा हूँ, शादी करके अपने महलों में ले जाकर तुम्हारी हैसियत को उठाकर आसमान से लगा रहा हूँ, इसे तुम मजबूरी से फायदा उठाना कहती हो? मदन बाबू, हम लोग इस वक्त मुसीबत में हैं, हमदर्दी की जरूरत में है, हमें दुख ना दीजिए। मुझे किसी के दुख सुख से कुछ लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ अपना सुख चाहता हूँ। मैं भी सुख चाहती हूँ मदन बाबू, अपने बूढ़े दादाजी का सुख चाहती हूँ। सुख जैसे महंगी चीज चाहती हो तो मेरी बात मंजूर करनी होगी। ना करूं तो मैं तुम्हें दर बदर कर दूंगा, तुम्हारी शान और शौकत के इन सबूतों को ढोल बजाकर नीलाम कर दूंगा, एक एक निवाले के लिए तरसा दूंगा।
तुम्हारे बाप दादा की आबरू को धूल में। बस बस और कुछ ना कहिए। तो मंजूर है मेरी बात? तो लाओ पेशगी, आओ बिल्कुल पास आओ, आओ। ऐसी पेशगी का रिवाज आपके खानदान में होगा, हमारे में नहीं है। देख लूंगा तेरे खानदान की शान। नीलाम रद्द होने की वजह? भगवान की इच्छा है। अजीब बात है, काल नीलाम और आज कैंसिल। ये भी भगवान की इच्छा। तो फिर इस आधी तूफानों में खरीदारों को क्यों कह दिया ना ये भगवान की इच्छा है? तो फिर हमारे आने जाने के खर्चे वर्चे की जिम्मेदारी वो भी भगवान की इच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दादाजी आप ऊपर कैसे चले आए? नीचे तो बाजार लगा हुआ है, मैं तुझसे कुछ अकेले में कहना चाहता हूँ बिटिया। बात क्या है दादाजी? बात मेरे लिए शर्म से डूब मरने की है। मेरा बेटा, बहू, सब सगे संबंधी इस दुनिया से जाते वक्त तेरी जिम्मेदारी मुझे सौंप गए। मैंने सोचा था भगवान का दिया बहुत कुछ है, तेरी जिंदगी को संवारने और सुखी बनाने के लिए मैं कोई कसर न उठा रखूंगा, लेकिन आज जब ये घर और घर की एक एक चीज नीलाम हो जाएगी और हमारे पास कुछ भी न रह जाएगा। दादाजी तो आपको रामदास ने नहीं बताया? क्या सब झगड़ा खत्म हो गया दादाजी? हैं? अब हमें न घर छोड़ना पड़ेगा न अपना सामान, सब झंझट मिट गए। कैसे, ये अनहोनी कैसे होगी बेटी? तकदीर साथ देती है तो मारने वाला ही बचाने लगता है। मदन, मदन बाबू मुझसे। मदन, मदन क्या? वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। मेरी शादी से ही ये झंझट मिटता हो तो क्यों ना मिटे। क्या? मैं उनसे शादी करूंगी। शादी नहीं, वो शैतान नीलाम में बोली लगाकर तुझे खरीदना चाहता है। शादियां तो कुछ ले देकर ही की जाती हैं दादाजी, इसमें खरीद बेच कैसा? रिश्ते की गांठें मजबूत करने के लिए वो एहसास का लेन देन होता है, ये खरीद बेच। मदन बाबू बड़े मेहरबान और रईस आदमी हैं दादाजी। मैं बड़ी भागवान हूँ जो घराने की आबरू बचाने का मौका घर बैठे मेरे हाथ आ गया। आज मैं बहुत खुश हूँ, इतनी इतनी खुश कि दिल चाहता गा गा कर आसमान सर पर उठा लूं। मैं बहुत लाचार हूँ बिटिया, कहने के बहाने मुझे रोना न सुना। महलों का राजा मिला के रानी बेटे राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज करेगी। गलियों गलियों धूम मचेगी,
नमस्ते नमस्ते, आइए 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 राय साहब, आइए आइए। माफ कीजिएगा राय साहब, आपको बेकारी तकलीफ दी। यानी? राय साहब बड़े अफसोस की बात है, नीलाम तो रद्द हो गया। वजह? वजह बड़ी दिलचस्प है। है, मैंने ठीक कहा ना मदन बाबू? बिल्कुल ठीक। भाई आखिर बात क्या है? आप अंदर तो चलिए, मैं अर्ज करता हूँ। चलो चलिए। यानी कर्ज के बदले में आप देनदार की लड़की खरीदना चाहते हैं। सौदा तो बहुत अच्छा है, एहसान से दबी हुई एक खूबसूरत लड़की कब्जे में और माल दहेज में। मदन बाबू आप बड़े चौकस दुकानदार हैं। ये क्या बदतमीजी है प्रेमा? बदतमीजी नहीं है, तमीजदारों की तारीफ कर रही हूँ मैं तो। बहुत खराब बात है, कोई कुछ भी करे तुम्हें किसी पर ताने कसने का कोई अधिकार नहीं। ओह, तूफान मालूम होता। एक्सक्यूज मी, आओ मेरे साथ, राय साहब से मुलाकात करा दूं, बहुत बड़े आदमी हैं। आओ ना, अब शर्म काहे की। आप हैं हमारे अजीज कहो, मेहरबान कहो, बुजुर्ग कहो, राय साहब। आप हैं प्रेमा जी, मिसेस राय साहब। इनको तो आप जान ही चुके हैं, मेरी मिलकर खुश हुआ। मदन बाबू आपकी पसंद का कायल हूँ। आप लोग बैठिए, मेरा ख्याल है कि शायद आप वापस जल्दी नहीं लौट सकेंगे, मैं आपके खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। रामदास। रमा, तुमने बिल्कुल मेरे दिल की बात कही थी। का बात है बिटिया? आप लोगों के खाने पीने का इंतजाम करो। तुम सिर्फ खाने का इंतजाम करो, पीने का मैं खुद कर लूंगा। मदन बाबू तुम्हारी पसंद तो हमने देख ली, अब हमें कम से कम वो चीजें दिखला दो जिन्हें हम खरीदना चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ आइए आइए। चलो प्रेमा। कौन है आप? जी मैंने पूछा आप कौन है आप? जी मैं तस्वीर बनाता हूँ, यानी कि मैं पेंटर हूँ। पेंटर? पेंटर और यहाँ? नकल करने के लिए किसी असल नजारे की तलाश में आज इधर निकला था, लेकिन मुझसे पहले उस रंगरेज ने अपना ही रंग छिड़कना शुरू कर दिया। आइए अंदर आ जाइए। शुक्रिया। कौन हो तुम? जी आप? कौन हो तुम, जवाब क्यों नहीं देते? मैं पेशे से चित्रकार, शौक से गवैया और हालात से शरणार्थी। यानी सब मिलाकर आवारा ही ना? यूं भी कहा जा सकता है, और यूं भी समझा जा सकता है कि किसी जमाने में चित्रकार और गवैये राज दरबारों की शान थी। ना ये राज दरबार है ना शरणार्थी कैंप, तुम चले जाओ यहां से। गेट आउट। आप गुस्सा ना कीजिए, गुस्से में आदमी अदब भूल जाता है। तुम हमें अदब सिखाओगे? शायद मेरी इतनी काबिलियत ना हो। तो फिर चले जाओ यहां से। आप नहीं जाएंगे मदन बाबू, अपने घर पर और अपने ऊपर अभी तक मेरा पूरा अधिकार है। आप बैठिए। रमा, मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से कोई नापसंद आने वाली बात पैदा हो गई। मैं चला ही जाऊं तो अच्छा है। बारिश बंद हो जाए तो चले जाइएगा। इस इंतजार में न जाने कितनी देर रुकना पड़ जाए मुझे। कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। ये और कौन है? अरे आधी पानी से बचा के लिए टाउर आ गए हैं, बिटिया बात कर रही है। जरा ध्यान रखना रामदास। ध्यान काहे का मालिक? जब्ती और नीलामी की परेशानी में दरवाजे पर आकर कोई बिना खाए पिए न लौट जाए। बा 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 मालिक, आप का जवाब नहीं है। लो पियो दवा पियो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आइए हॉल में बैठिए। ये तो मालूम हो गया
क्या पेशे से चित्रकार, शौक से गवैये और हालत से इस वक्त शरणार्थी हैं। लेकिन ये सब मिलाकर आपका शुभ नाम क्या है? ये सब मिलाकर तो वो साहब बता ही चुके आवारा। अपने आप को खुद ही निशाने पर रख देना भी एक शौक है। बड़ा दिलचस्प। इनसे मिलिए, आप हैं मिसेज राय साहब और आप आवारा। एक्सक्यूज मी, मैं भी आई। रामदास, एक और मेहमान के खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, हो जाएगा ना? यह कौन पूछे की बात है, जहाँ दस वहाँ एक और सही। बस तो ठीक है। मेहमान मेहमान मेहमान, यहाँ धर्म खाते में घर बिका जा रहा है, उनकी मेहमानदारी में फर्क ही नहीं आता। जैसे दादा वैसे पोती। कहाँ रहते हैं आप? जी रहता तो मैं शहर में ही हूँ, लेकिन हम खुद भी खाना खाकर थोड़ी देर में यहाँ से जाने ही वाले हैं। हम आपको रास्ते में छोड़ देंगे और फिर ये खाने का वक्त है, आप भी खाना खाकर जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन खाना मैं यहाँ नहीं खा सकूंगा। क्यों? रात भी हो गई है और बारिश भी गिर रही है। और फिर भूख भी तो लग रही होगी। भूख तो जनाब लगती है, लेकिन भूख भूख में फर्क होता है। फर्क? फर्क सिर्फ इतना ही कि अमीर भूख को मारता है और गरीब को भूख मार डालती है। और आप शायद यही चाहते हैं कि आपकी भूख आपको मार डाले? ये ऐसी कोई बात नहीं, असलियत में ये दावत मुझे महंगी पड़ेगी। तो आपका ख्याल है कि आप किसी होटल में आ पहुंचे हैं और हम आपसे खाने के पैसे वसूल करेंगे? आप न भी करें, लेकिन मैं मुफ्त की रोटी नहीं खाता। अच्छा चलो, फैसला मैं करती हूँ। बदले में आप मेज़बान की एक तस्वीर बना दीजिएगा। तस्वीर? आपने कहा था ना, आप पेशे से चित्रकार और शौक से गवैये हैं, पेशे की बात छोड़िए, शौक पूरा कीजिए। आज बड़े अंदाज से मेरा शौक पूरा होने की घड़ी आई। सुनिए, ये लेबल क्या लगे हूं? ये सब बिकने के लिए। बिकने के लिए? क्यों? वक्त वक्त की बात है। हमारे मालिक कहते हैं इसी का नाम जिंदगी है। क्या देख रहे हैं? कितनी खूबसूरत है ये मूर्ति, ऐसा लगता है अभी बोल पड़ेंगे। समझ में नहीं आता कोई इनकी कीमत कैसे लगा सकता है। क्या ये सब बिकाऊ है? बिकाऊ थी, अब नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सब मूर्तों के बदले में एक सूरत बिक गई। ए बाबू लो, खाना मेज पर लगवा दिया, चल के खा लो। तुम भी चलो बिटिया। Yes, very good. Come on, let's go. आप मुझसे वो बात कर रहे थे, वो दालचीनी वाली। अरे क्या नहीं, नहीं नहीं, आप उधर बैठिए, आप बैठिए, मैं कर रहा हूँ। आप इधर बैठिए। नहीं नहीं, आप बैठिए। तस्वीर बनाने वाला यहाँ नहीं बैठे? अलग बैठे खाना, जो नखरा करे उसकी फी खातिर। मेहमान का हर तरह से ख्याल करना इस घर की तहजीब है। इस घर में मेहमान को भगवान का रूप माना जाता है। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ इस खाने की कीमत इस तस्वीर की कीमत से कहीं ज्यादा होगी। आप बना रहे हैं इसलिए, या तस्वीर मेरी होगी इसलिए? जी, खाने का इशरार तो इसलिए किया था कि मेरी तस्वीर के दाम एक वक्त की भूख मिटाने के लिए भी काफी नहीं होंगे। मेरा पेशा और शौक दोनों मिलकर भी जिंदगी भर आपकी कीमत नहीं लगा सकेंगे।
खाना खाइए। फरमाइए। क्या कर रहे हो? रेखाएं खींच रहा हूं। रेखा समझते हैं ना आप? रेखा? जी, यानी लकीरें। लकीरों में जान फूंक कर आदमी की सीरत का अंदाजा लगाता हूं मैं। जाल मत फैलाओ मेरे सामने, मैं खूब जानता हूं तुम लोगों की सूरत सीरत को। कहां रहते हो? रहना सहना क्या है जनाब, ये तो सफर है। जहां रात हो जाती है वहीं बसेरा कर लेता हूं। तो फिर आज जहां मुफ्त की रोटी खाई है वहीं बसेरा करने का भी इरादा है क्या? मदन बाबू, आदमी का आदमी से इतना भी झगड़ा हो सकता है, ये मुझे मालूम नहीं था। आप हमारे मेहमान हैं, मेहमान की बेइज्जती करने का मौका देकर कम से कम मेरी तहजीब के रास्ते पे कांटे ना फैलाएं आप। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से बसर, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली। मिले न फूल अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा। खुदा तराश लिया, खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। नजर मिली भी न थी और उनको देख लिया, नजर मिली भी न थी और उनको देख लिया, जुबां खुली भी न थी, जुबां खुली भी न थी और बात भी कर ली। मिले न फूल वो जिनको प्यार है चांदी से इश्क सोने से, वो जिनको प्यार है चांदी से इश्क सोने से, वही कहेंगे कभी, वही कहेंगे कभी हमने खुदकुशी कर ली। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली। मिले न फूल। किसकी तारीफ करूं, तस्वीर की या तस्वीर बनाने वाले? बनाने वाले की तारीफ इसलिए गलत होगी क्योंकि वो गाने में मसरूफ था, तस्वीर की इसलिए क्योंकि ये नकल है। असल चीज ऐसी है कि तारीफ करना मुमकिन नहीं।
खाने की कीमत से बहुत ज्यादा काम कर डाला आपने। एक नजर चुराने वाली तस्वीर, एक दिल लुभाने वाला गाना, भाई सौदा हमें सस्ता पड़ा है ना। कैसे कहूँ, इन चीजों की कीमत आंकने के लिए तो कोई हिसाबी दिमाग चाहिए। अगर आप मुझसे सौदा न करती तो सारी रात मुझे इस आंधी तूफान में भटकना पड़ता। अगर हिसाब लगाना जरूरी है तो सौदा मुझे सस्ता। मेरा ख्याल नहीं है कि हम लोग वापस जा सकेंगे इस वक्त। तूफान रुकने के आसार नजर नहीं आ, क्यों ना यही रुका जाए, रात गुजारने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। मैंने ठीक कहा ना मदन बाबू? हाँ हाँ ठीक है, आज की खातिर मदन बाबू के हिस्से में ही सही। जी हाँ जरूर, तुम्हारा क्या इरादा है? ये लोग तो जा नहीं रहे, अब तुम्हें मुफ्त की सवारी कैसे मिलेगी? मुझे मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए जनाब, आप फिक्र ना करें। मेरे पांव गाड़ियों के मोहताज नहीं, मुझे चलने की आदत है। आदत है तो ज्यादा क्यों नहीं यहां से? पता नहीं इतनी बकवास करने की हिम्मत कैसी होती इन कंगालों को। धन के कंगाल हिम्मत से मालामाल होते हैं जनाब। जा रहे हैं? जाना तो है ही। कोई कैसे बाहर जा सकता है ऐसे में? जो नहीं जा सकते वो रुक जाते हैं। मैं जा सकता हूँ, मुझे जाना चाहिए। ये आंधी तूफान रुकने तक तो रुकते। आज तूफान ही क्या, जिंदगी की रफ्तार रुकने तक भी रुक सकता हूँ, लेकिन शायद मेरे रुकने से तूफान बढ़ जाए। शायद मेरे चलने से ही दुनिया चलती है। कोपा कौन? मैं रमा हूं। जय राम जी। लोगों के सिवा और कौन है इस मकान? मकान में एक खाना बनाने वाली महाराजी ने, एक मालिक का ड्राइवर। कहाँ है? रसोई। लखन सिंह, तलाश करो, कोई और तो नहीं? देखिए क्या कहता था मैं, अब मालूम हुआ क्यों अकड़ कर बातें करता था। वो भेज दिया था इन बदमाशों का। क्या बड़बड़ कर रहा है? कौन मेरे है? दावत दे दी उसे, गाने टप्पे उड़वा दिए, गाड़ी में साथ ले जाया जा रहा था उसे। मौके की जांच करने आया था बदमाश, अब भूख तो सब। क्या बकते हो? तुम्हारा जासूस था वो जालिया। खोपड़ी खराब मालूम होती है इसकी, ठीक कर दो सदर।
कौन आया है? इतने वक्त न जाने कौन आया है? तुम जाके देखो। बैठ जा। देरी रात है, तूफान चल रहा है, फिर भी कोई न कोई दरवाजा जरूर खटखटा रहा है। वो थैला रह गया। हाँ, थैला। अरे थैला कहाँ जाता है? जहां से आया हूं। रुक जा, हम इस घर के आदमी नहीं हैं, हमें इजाजत हो। चुप रहो, बैठो बैठो। सरकार, हमें जाने दिया जाए, हम कुछ सेवा कर रहे हैं। वैसे तो रखा ही क्या है हमारे पास, हम लोग सफर में हैं, 1000 निकल आएंगे बटुए में। थैले में क्या है? मेरा तो जो कुछ है इस भानमती के थैले में ही है जनाब। 2 बनियाने, 1 तौलिया, कमीज, साबुन, रंग, 6 ब्रश। हटाओ ये कबाड़ खाना। कबाड़ खाना? बिल्कुल ना, हम तुम्हारे मेहमान हैं, हम मेहमान को मारा नहीं, सिर्फ लूटा करते हैं। ज्यादा चलेगी तो हलक में से बाहर खींच ली जाएगी। जाओ हम सबके लिए खाना बनाओ झटपट। अभी बनाती हूँ सरदार। इस बुढ़िया पे कड़ी नजर रखना, और जहर के बच्चे उस दीवार के साथ मुंह लगा के बैठ जाओ। जाओ, रोग तो ऐसे झाड़ रहा है जैसे डाकुओं का सरदार बलदेवा हो। ठीक समझा, मैं ही बलदेवा हूं। तो तुम हो डाकुओं के सरदार बलदेव सिंह? तुम दिलावर ज्यादा हो या अकलमंद? सरकार ने तो तुम्हारी खोपड़ी की कीमत 1.25 लाख रुपए लगाई है। मैं उन भेड़ियों को अच्छी तरह जानता हूं जिन्होंने मुझे पकड़वाने के लिए चंदा करके पूंजी सरकारी धरती में गाड़ रखी है। मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। मुझसे मिलकर आपको खुशी नहीं, खौफ होना चाहिए। बड़ा खतरनाक डाकू हूं। तुम्हारी क्या हस्ती है, तुमसे ज्यादा खतरनाक डाकू देखे हैं मैंने। इसे देखो, ये डाकुओं के बादशाह का बेटा है। इसके बाप ने मेरे बेटे को आज से 6 साल पहले 20,000 रुपया कर्ज दिया था। आज ये लुटेरा उसे 6 गुना बनाकर हमें दरबदर करने के लिए आया है। तुम क्या गैर कानूनी तो हो? इसे देखो, ये कानूनी लुटेरा है। बहुत बुद्धू साहब का बेटा है, ये जानना चाहिए कि साहूकार देता ही इसलिए है कि कर्ज लेनदार का मटिया मेट करके वापस लौटे। ये साहूकार का बेटा हमारा मटिया मेट करके सिर्फ कर्ज की भरपाई से सब्र नहीं करना चाहता, बल्कि ये बदकार सूद दर सूद में इस बूढ़े लाचार की पोती को भी उससे झपट लेना चाहता। चुप रहिए दादाजी, आप चुप रहिए। ये किन किन लोगों की भीड़ जमा है इस घर में? मुझसे पूछो, ये मैं बताऊंगा। इसे और मेरी पोती को तो तुम जान ही चुके हो, और मेरा ख्याल है ये इन धनी मानी की बेटी हैं। जी नहीं, ये मेरी बीवी है। बीवी? अरे वाह,
तुम यहाँ अपने 20,000 के 6 गुना वसूल करने आए हो? अपने कर्ज के बदले में एक शरीफ लड़की का जिस्म हथियाना चाहते हो? मैं उससे शादी कर रहा हूँ। और तुम गोपा रमा, देनदारी के बदले में तुम अपनी जिंदगी एक सूदखोर के पास गिरवी रखना चाहती हो? इस बदकार के साथ क्या तुम वाकई शादी करना चाहती हो? शादी शादी शादी, भगवान के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मेरी शादी मेरा मामला है, जो मेरा दिल चाहेगा सो करूंगी। फूके कुत्ते, जबान पर काबू रखिए जनाब, फूकों के पास बंदूकें हैं। बंदूकों की वजह से ही सारी अकड़ झकड़। बंदूक न हो तो देख लो ही क्या दिल कुर्ता। क्यों गए, क्या बड़बड़ कर रहा है? मेहमानों का गोश्त बेचकर कर्जा नहीं चुकाना है हमें, पिस्तौल रख दे। आज न बोलो मालिक, आज ही डाकू की पकड़ाई का इनाम लेके इस साहूकार के पंजे से अपनी बिटिया के छुड़ाई के रहूंगा। नहीं रामदास, नहीं। रमा बिटिया, तुम सामने से हट जाओ। तौल चुका लो। नहीं नहीं रमा बिटिया, तुम सामने से हट जाओ। नमक के बदले में खून नहीं लिया जाता रामदास, झुका लो पिस्तौल। हम नहीं झुकाएंगे पिस्तौल। हम कह रहे हैं तुम सामने से हट जाओ बिटिया। सुवर का बच्चा, किसने कहा था गोली चलाने? तुम हमका काहे को रोक लिए बिटिया, काहे को रोक लियो? आज हम मालिक का सारा कर्जा ना अदा करते थे। आओ पट्टी बंगाल, चलिए हाथ धो लीजिए। ये रहा साबुन, ये तौलिया, आप हाथ धो लीजिए। बहुत गहरी चोट तो नहीं लगी? नहीं, कोई खास नहीं। तुम अपनी कोठरी में जाकर आराम करो, यहाँ कोई काम होगा तो मैं देख लूंगी। हुँ? अच्छा। क्या गलत कहा था उसने?
क्यों रोका तुमने उसे? सुना, मेरी गिरफ्तारी के नाम से तुम हमेशा के लिए एक जलील आदमी के चुंगल से छूट जाती, ये मौका तुमने क्यों खोया? ये बेवकूफी तुमने क्यों की? जो एक की नजर में बेवकूफी है वो दूसरे की नजर में अक्लमंदी हो सकती है। अपना अपना विचार है, अपने अपने उसूल। गलत तुम्हारे उसूल। दुनिया के बाजार में ऐसे उसूल कौड़ियों के भाव बिकते हैं। तुम बदनसीब हो रमा, जो जानबूझकर जान देने पर तुली हो। अजीब बात है, दूसरों के जख्मों की टीसों से तुम्हारे कराहने की वजह। तुम नहीं समझ सकोगे ये बात। औरत का दुख दर्द औरत ही जानती है। काश कि थोथे उसूलों पर बलिदान होने की तकलीफों का मैं उसे एहसास करा पाती। कितने ताज्जुब की बात है। क्या जो रामदास ने किया उसमें उसका क्या फायदा था? सिर्फ मेरे लिए ही ना, अपनी जान तक की परवाह नहीं की। मैंने अपने देश की लंबाई चौड़ाई पैदल चल चल कर नापी और लोगों की आंखों में झांक झांक कर ईमान को ढूंढा है। आज तक तो मैंने यही देखा है कि इस देश के बुद्धिमान लोग होशियार होने के बजाय मक्कार होना ज्यादा पसंद करते हैं। विद्वान अपनी विद्या को बांटने के बजाय उसे साथ लेकर मर जाना अच्छा समझते हैं। बलवान जालिम है, धनवान कंजूस। इस देश के कंगाल भी अपनी कंगाली को दूर नहीं करना चाहते, बल्कि दूसरों को अपने से ज्यादा कंगाल देखना चाहते। मैंने अपने देश में कदम कदम पर फर्ज और उसूल की तिजारत होते हुए देखी। लेकिन जो आज की रात देखा है अनोखा ही देखा है। इस गरजती बरसती रात में जो आज रोशनी की किरण मुझे नजर आई है उस पर मर मिटने को जी चाहता है। किसका चाल है? आपकी चाल। अच्छा, ये हमारे घोड़े ने आपके सिपाही को मार दिया। जी ये सिपाही तो आप ही का है ना? तो गलती हो गई, माफ करना, हमारा घोड़ा पीछा जाएगा। चलो चाल चलो। चाल आप ही की। हमारी? अच्छा तो लो, ये हमारे घोड़े ने तुम्हारे किस सिपाही को मार दिया। अरे घोड़ा तो ढाई घर चलता, आप कैसे आ गए यहाँ? ऐसा चलेगा? तो मेरे ऊँट ने आपके घोड़े को मार दिया। तुम्हारे ऊँट ने मेरे घोड़े को मार दिया? तो मेरा हाथी क्या इधर घास खा रहा है? मेरा हाथी तुम्हारे ऊँट को मार दिया। अरे ये हाथी यहाँ कैसे आ सकता है? मेरा हाथी ऐसा जाएगा, परे परे सर रहा है वहाँ पे। चलो, ने आपके हाथी को भी मार दिया। इसमें सबसे ताकतवर मोरा कौन सा है? वजीर। तो मेरे बादशाह ने तुम्हारे वजीर को खा लिया। लो, तो फिर आप खत्म हो गए। क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, आपका बादशाह खत्म। अरे मेरा बादशाह खत्म हो गया? नहीं बाबा, ये शतरंज का बादशाह। ठीक है चलो, दूसरा खेल होगा। दूसरा खेल? देखिए ना, वहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, चलिए वहाँ चलते बातें करेंगे। जी नहीं, जब तक मैं आपके बादशाह को नहीं खाऊंगा तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। चलो। अकेले हैं? बिल्कुल। बहुत गरीबी है। आपने कभी हाथी देखा? हाथी? क्यों? मरा हाथी 1,25,000 का होता है। फिर? मैं भी जिंदा तो गरीब ही हूँ, लेकिन मरा हुआ 1,25,000 से भी ज्यादा का। मजाक करना चाहते हैं? मैंने जिंदगी में अपने सिवा और किसी से मजाक नहीं किया। ये क्या? ये किसकी
तस्वीर है। उसकी 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 एक लाठी में भैंस पिचक जाती है, ये उसकी तस्वीर है। भैंस पिचक जाएगी पर तिनका नहीं टूटेगा उससे। ये तहदी हादसी नजर आता है मुझे। ये मेंढक जैसा क्या बनाया था? मेंढक नहीं, ये वो है तुम्हारा साथी। अनाड़ी हो तुम, एक छलांग में तीन मंजिले पर चढ़ जाता है, तुम्हें मेंढक नजर आता है? मेंढक की छलांग देखिए कभी। हद हो गई। और ये क्या है, बिना बैलों का छकड़ा सा? चलते बैल निकाल कर साठ साठ मन के छकड़े वो अकेला कंधे से खींच के ले जाता है, और तुम्हें वो खुद ही छकड़ा दिखता है। चश्मा लगाओ, धुंध की बीमारी है तुम्हें। ये किसकी है? इनकी। ओंधी खोपड़ी के आदमी हो तुम, ये ऐसी गमगीन और उदास नजर आती है जैसी तुमने बनाई है? ये ऐसी हैं, इनके चेहरे में मुझे पिघलती हुई मोमबत्ती की उदास लव के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। मानती हूँ कि बड़ी पैनी नजर है इस कलाकार की, इसने मेरा अंदर बाहर सब पहचान लिया। क्या कहा, बोलो चुप क्यों? चुप रहने की शर्त पर ही जिंदा हूँ। पैदा होने से लेकर आज तक गूंगी हूं मैं। जन्म से पहले जिसका बाप मर जाए, जन्मते ही जिसकी जिसकी जननी मर जाए, जिसकी जबान यतीम खाने में खुले और खैरात के टुकड़ों पर पलकर जिस पर जवानी आए, उसकी उदासी और मुस्कान का मर्म तो कोई दिलवाला ही जाने तो जाने। एक बात पूछूं, इस बुड्ढे खुसर के साथ तुम्हारी शादी करने की वजह? भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, वो मेरे पति हैं, उन्हें समाज सेवक कहिए, उन्हें दीन बंधु कहिए, दानवीर कहिए, जवानियों का लुटेरा न कहिए। मैं उस दिन को पल भर के लिए भी नहीं बुला सकती जिस दिन अनाथालय के चैरिटी शो के लिए मैं डांस रिहर्सल कर रही थी, और ये दानवीर मेरी जिंदगी संवारने के लिए अपना तन मन धन लुटाने आए थे। प्रेमा, सब लड़कियां तैयार है ना? राय साहब रिहर्सल देखने आ गए हैं, बिल्कुल शो जैसा हो, कोई कमी ना रह जाए। अगर वो खुश हो गए तो हमारे अनाथालय के दिन ही बदल जाएंगे। वो जल्दी करो ना, अजी राय साहब आ गए। सुनो, इसे रिहर्सल मत समझना, बिल्कुल शो जैसा होना चाहिए, समझी? चल जल्दी आ। कांटा चुभ जाएगा।
फूलों को जैसे माली, अरे फूलों को जैसे माली, तुम परदेसी आए कहाँ से, अरे तुम परदेसी आए कहाँ से, कैसे पकड़ ली डाली, अरे रे मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, कोई कांटा हाय कांटा चुभ जाएगा। लड़की प्रेमा से शादी करना चाहते हैं? जी हाँ, जो कुछ सेवा बन सके इस शरीर से। कितने दिन के लिए? क्या मतलब? मतलब ये कि आप काफी बूढ़े आदमी हैं। काफी भद्दा तरीका है आपका बात करने का। हो सकता है, लेकिन सच तो है ना? 50 से कुछ ही ऊपर हूँ, यानी कि 60 से कुछ ही नीचे। इनसे भी बड़ी बड़ी उम्र के आदमी ये बेवकूफी करते आए हैं, मैं मानता हूँ। आपका क्या वास्ता है इस मामले से? इंसान कहलाने वाले हर जानदार का वास्ता है इस बुराई से। बुराई भलाई का फैसला करने वाले आप हैं कौन? मैं उस लड़की से जरूर शादी करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसी क्या बात? ऐसी ये बात है कि मेरा इरादा बदला नहीं करता। रुपया आदमी को इस कदर मगरूर बना सकता है? इस तरह मैं अपनी बेइज्जती कराना नहीं चाहूंगा। तो जिस तरह चाहो करूं, मैं हर तरह हाजिर हूं। ये क्या बदतमीजी है, मैं एक मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बाहर इंतजार करूंगा। क्या फर्क है बाहर भीतर में राय साहब? सच्चाई इस चार दीवारी में भी वही है जो बाहर चमचमा रही है। मेरी मानो, अगर हिम्मत है तो समंदरों की छातियां मत डालो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को झुका दो, गहरी गहरी खाइयों को रौंद डालो, लेकिन परमात्मा के लिए इन कच्ची कलियों को मत कुचलो। ये उपदेश सुनवाने का इंतजाम करने के लिए भेजा था आपको? वो भंजी कहां गई है? वो आपकी लड़की को लेने गई। क्या हुआ प्रेमा?
कभी कभी कैसी बातें करते हैं चाचा जी। सारा अनाथालय भूखी नंगी गरीब लड़कियों से भरा पड़ा है, उसमें से एक अगर इतने धनी मानी की छाया में चली जाए तो उसे भाग्यवान ना कहे तो और क्या कहे। भाग्यवान वो है जिसे गरीबी में किसी का प्यार मिला हुआ, और वो अभागा है जो प्यार से खाली खोखली अमीरी में लोट लगा रहा है। ये लड़की भेड़ की तरह गोश्त के लिए बिक रही है, प्यार के लिए नहीं। गरीबी कविताओं में गाने के लिए ही दिलचस्प होती है। जीवन के ऊंचे नीचे रास्ते बिना पैसे के पार नहीं किए जा सकते। प्रेमा, तुम बड़े घर में जा रही हो, खुश नसीबी तुम्हें पल्ला पकड़ कर खींच रही है। ये रोने का नहीं मुस्कुराने का दिन है। राय साहब ने तुम्हारे रूप और गुण पर मोहित होकर अनाथालय किसी देखो 1,00,000 रुपया एक चेक से दान दे डाला है। उनकी उम्र थोड़ी बड़ी है तो क्या, तुम उसे भूल जाओ। ये अनाथ समाज तुम्हारे इस आसान को कभी नहीं भूलेगा। इंसानियत हमेशा याद रखेगी तुम। भूख से निढाल मासूम चेहरे, याद है तुम्हें भूख क्या होती है? शायद तुम भूली नहीं होगी। आखिर औरत है क्या? आप बताइए मदन बाबू, मर्द के पांव की जूती? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और उसका फर्ज क्या है जानते हैं आप? आप बेहतर जानते हैं। औरत का फर्ज है मर्द की दिलबस्तगी, मनोरंजन। बेशक बेशक। यही मजे है कि मर्द उसके लिए लाखों रुपया इस तरह उड़ा देता है जिस तरह के हमने उड़ा दिया। लेकिन राय साहब, रुपया तो आपने अनाथालय को दान दिया है और लड़की से शादी की है। धनवान आदमी कभी दान नहीं दिया करता, वो हमेशा इन्वेस्ट किया करता। हमने रकम लगाई है, माल खरीदा है। आपने शादी की है राय साहब, और शादी मालूम नहीं आपको शादी किसे कहते हैं? शादी तो जनाब औरत को बहलाने के लिए तजुर्बाकार लोगों का बनाया हुआ एक ड्रामा है। वरना शादी कीजिए या न कीजिए, औरत के लिए कौन सा नतीजा बदल जाता है? क्या बात कही है मदन बाबू ने भाई, शादी से मिले या बगैर शादी के मर्द को चाहिए क्या? सुंदर चेहरा, सिढोल जिस्म, दिलकश अदा। राय साहब, उस रोज के नाच की तो तारीफ करनी पड़ेगी। आप नहीं मौजूद थे उस रोज? बदनसीबी कहिए और क्या। अजीब बदनसीबी की क्या बात है जनाब, अब तो चीज घर में मौजूद है। प्रेमा प्रेमा, सुना नहीं तुमने? सब सुन लिया। सुनने के बाद तुम्हारी ये मजाल? मैं औरत हूँ आपकी, खरीदी हुई ना, औरत हूँ आपकी। मुझे हुक्म अधूरी बर्दाश्त करने की आदत नहीं है, खासकर अपने दोस्तों के सामने। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बेइज्जत न कीजिए। चंदा मांगने के लिए सरेआम स्टेज पर नाचने में इज्जत है, और घर में बेइज्जती? तब मैं यतीम, लाचार और बेसहारा थी, लेकिन मैं आज आपकी पत्नी हूँ। पत्नी तभी तक पत्नी होती है जब तक पति के इशारों पर चलती है। चलो मेरे साथ। लीजिए जनाब, इनसे मिलिए, ये है हमारी दीदी, इनकी एक एक अदा पर नजर डालिए और हमारी पसंद की तारीफ कीजिए। उस रोज की एक झलक हमारे दोस्तों को दिखलाओ, इन्हें मालूम तो हो कि आप दार पत्थर के राय साहब कैसे पारखी हैं। रहने दीजिए राय साहब, आपकी पसंद और परख आबरूदार लोगों में पहले ही बहुत मशहूर है। जी नहीं, राय साहब की खरीदी हुई है पत्नी आप लोगों के चरणों की दासी, आज जरूर आपका मन बहलाएगी। इस तरह तुमने अपने अरमानों की होली जलाई। शमा, मैं तुम्हें बार बार खबरदार कर रही हूं कि कर्तव्य का नकली चेहरा पहनकर ये जो संकट तुम्हारे सामने आया है उसके लिए बिक बचाना रमा, उसके लिए बिक बचाना।
नसीहत करना आसान है लेकिन अमल में लाना बहुत मुश्किल है। अगर वाकई आपको इनके साथ हमदर्दी है तो चुका दीजिए ना मेरा पैसा। मैं अपनी आरजू और मोहब्बत का खून करने के लिए तैयार हूँ। आदमी की खाल में छिपा हुआ तो सिर्फ पैसे का भूखा भेड़िया है। तेरी शादी में इंसान का दिल नहीं एक सौदागर का दिल है। तू मोहब्बत का नाम क्यों लेता है? तुम मुझे मोहब्बत का राज बताओगे? जिसने खुद मोहब्बत को दलील किया, अपनी औरत तक का खून कर डाला, वो मुझे मोहब्बत का भेद समझाएगा? झूठ है, झूठ है ये बात, बिल्कुल सच है ये बात। सारी दुनिया और तमाम सरकारी रिकॉर्ड इसका गवाह है कि तुमने एक थोड़ी भारी लड़की को उसके माँ बाप की मर्जी के खिलाफ पहले अपनी मोहब्बत में फांसा, शादी की और फिर उसके जिस्म को बेचकर तुमने अपना पेट भरना चाहा। जब उसने इनकार किया तो तुमने उसके जिस्म को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। तुम मोहब्बत की बात करते हो? झूठ है ये, झूठ है ये बात। ये सब क्या हो रहा है? ये एक शरीफ आदमी का घर है, कोई बाजार नहीं। इस घर में ये जो कह रहे हैं वो सरासर झूठ है, इल्जाम है, तोहमत है मेरे नाम पर। दुनिया मुझे बेईमान, बदकार और खूनी कहकर कोसा करे लेकिन ये सच्चाई नहीं है। मैंने अपनी औरत का खून नहीं किया, मैं तो सिर्फ मोहब्बत करता था। गोपा, अगर ये सच है, अगर वाकई मैंने तुझसे प्यार ही प्यार किया है तो मेरे नाम पर लगे हुए खून के धब्बों को धोगा। मैं सच कहता हूं, मैं डाकू बनने के लिए नहीं जन्मा था। मैंने कब चाहा था कि मैं किसी की खुशियां छीनूं? मैं तो सबको खुशियों में जीते देखना चाहता था। मेरी तो अपनी एक सीधी सादी जिंदगी थी जिसका एक ही सपना था, एक ही की। वो सपना सच हुआ था। वकील खोपा खोपा कर मैंने गाया था। ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। उम्मीदवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, Thank you.
पर तू पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में। मैं ले आया तुझे, कैसा लगा? अच्छा गोपा, तू इस वक्त जहां है ये जगह सबसे ऊंची है, चारों तरफ नदियां हैं। उनके आगे क्या है? बाग, बगीचे। और उनके आगे पहाड़ियां। उनके आगे और पहाड़ियां। उनके आगे उनके बहुत सी रातें यहां से देखी है, पर आज की रात का रूप ना नशीला है। बूंदे पड़ रही है, बारिश आएगी। मैं वो बंगले की खिड़की दरवाजा बंद करके अभी आया।
कभी कोई सपना देखा है? एक देखा था। क्या? इस वक्त कौन कम वक्त हो रहा है? तुम चौकीदार उस डाक बंगलो? हाँ सर। कमाल है भाई, कितनी आवाजें थी, दिन सुबह ही सो जाते हो क्या? नहीं सर, मैं सोया नहीं था। अच्छा तो चलिए, मैं डाक बंगला खोल दीजिए। बंगला? जी बंगला तो बुक है, अफसर लोग आने वाले। कब? क्या मालूम, सुबह ही आ जाए। सुबह ही आएंगे ना? तो रात रात तो रह सकते हैं ना हम? मुझे तो ऑर्डर नहीं है सर। तुम्हें ऑर्डर नहीं है, लेकिन मेरे पास ऑर्डर है। जब परवाना ही मौजूद है तो कौन रोक सकता है। अच्छा सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? जी बलदेवा। देखो बलदेव, भूख बड़े जोर की लगी, कुछ खाने का बंदोबस्त करो। खाने का तो यहाँ इस वक्त कोई बंदोबस्त नहीं। अरे ऐसे कैसे, रात कैसे गुजारेंगे? वो सब मैं कैसे बताऊं। हाँ सर, नीचे गांव में एक दुकान है, आप वहां चले जाइए। तुम कैसे बनाते हो? मेरा क्या है साहब, अभी तक तो हाथ से ही बनाता था। अब नहीं बनाओगे? अब आज की रात तो बनाऊंगा नहीं। क्यों, आज की ही रात क्या बात है? सरकारी ही सही, मगर भूखे हैं ना। फिर क्या, भूखे हैं तो उन्हें खाना मिलना चाहिए। यहाँ कोई लंगर खोल रखा है क्या? ये तो बड़ी नसीब की बात है कि सुहाग की रात में कोई बड़े आदमी तुम्हारे दर पे आके तुमसे खाना मांग रहे हैं। से तुम्हारा मिलन होगा, ओ मन थोड़ी धीर धरो, बाहों में चांदी का बदन होगा। ओ मन थोड़ी धीर धरो, दुल्हन से तुम्हारा मिलन होगा, ओ मन थोड़ी धीर धरो। परी है चंचल है वो, तेरी है चित चोर। चांद परी है चंचल है वो, तेरी है चित चोर। मुखड़े को ही तकते तकते हो जाएगी भोर, गोरी धन का तुम्हें दर्शन होगा। ओ मन थोड़ी धीर धरो, बाहों में चांदी का बदन होगा। ओ मन थोड़ी धीर धरो। Thank you.
कैसी बेताबी है, कैसी पड़ी है सारी रात, कैसी बेताबी है, कैसी पड़ी है सारी रात, जी भर भर के कर लेना तुम कम सिनिया से बात, कांधे पे झुका सामन होगा, ओ मन थोड़ी धीर धरो, बाहों में चांदी का बदन होगा, ओ मन थोड़ी धीर धरो। तेरी पद्मिनिया और खूबा का रजपूत, वो है तेरी पद्मिनिया और खूबा का रजपूत, गज भर की छाती रखता है दिल भी रख मजबूत, नैनों नैनों में रन होगा, ओ मन थोड़ी धीर धरो, बाहों में चांदी का बदन होगा, ओ मन थोड़ी धीर धरो, दुल्हन से तुम्हारा मिलन होगा, ओ मन थोड़ी धीर धरो। सौ की रेजगारी मिलने में थोड़ी देर लग गई। कोई बात नहीं, ये तुम ले जाओ, बख्शिश है। बख्शिश? ये इनाम है तुम्हारा, ले जाओ। बड़ी मेहरबानी हो जी। कुछ मिला भी? मिला सरकार, मुर्गी है, अंडे, आलू, प्याज सब मिल गया। वेरी गुड। कैसे बनाओ? इसे कैसे बनाओ? इसकी फिक्र मत करो, वो तुम्हारी औरत बना लेगी। मेरी औरत? हाँ हाँ, तुम्हारी औरत आई थी रोशनी पानी का इंतजाम करने, सब समझा दिया है उसे, जैसा वो बनाएगी वैसा ही खाएंगे, तुम जाओ। अच्छा सर। सुनो। जी सरकार। ये लो, अपनी औरत की नजर करना हमारी तरफ से। साहब इतना? ये तो बहुत ज्यादा है हुजूर। बलदेवा आज बहुत खुश है, ले जाओ। साहब इसकी क्या जरूरत थी? ले जाओ। बड़ी मेहरबानी हुजूर, बड़ी मेहरबानी। मुझे मत छूना। उफा। दूर रहो, दूर रहो। उफा, मैं लुट गई। उफा। मुझे लूट लिया। उफा। मैं लुट गई। उफा। दूर रहो, छूना मत मुझे। अब तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं मेरे पास, कुछ नहीं। हाँ बल्ले बा, बहुत काम किया होगा तुमने, बहुत थक गए। आओ थोड़ी सी शराब की। बल्ले थोड़ी सी पी लो, सब थकावट दूर हो जाएगी। इतना सारा इनाम पाकर तो खुश हो गई होगी तुम्हारी औरत। जी हाँ बलदेव, उसी का बदला चुकाने के लिए मुझे आपके पास ले गया। बलदेव।
मैंने शायद तुम्हारा दिल दुखा दिया। तुम इस तरह क्यों चली आई? मैं तो अपनी कहानी सुनाना भी नहीं चाहता था। कोई चाहे मुझे कितना भी गलत क्यों ना समझे, मैं किसी को अपने दिल का दर्द दिखाना नहीं चाहता। लेकिन उस साहूकार का तुम्हारे ऊपर जुल्म बर्दाश्त न कर सका और मैं छलक उठा। कोपा नहीं हूं। तुम्हारी सूरत में मुझे अपनी कोपा नजर आती है। मैं समझ गई थी, मैं तभी जान गई थी तुम्हारी तरफ फूटती हुई टेढ़ी नजरों को मैं उंगलियां पहुंच कर फोड़ डालूंगा। अपनी कोपा को दुनिया की बद नजर से बचाकर अपने छाती के पर्दे में छुपा कर रखूंगा। मेरे सीने में साए साए हो रही है। गोपा, गोपा। मेरे भैया। मुझे भैया मत कहो। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, देखो मैं तुम्हारी गोपा नहीं हूँ। तुम गोपा नहीं? गोपा तो मर गई है। 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 किसकी तस्वीर बना रहे हो? सूरत वही है लेकिन लिबास दूसरा है। देख रहा था देहाती कपड़ों में यह सूरत कैसी लगेगी। क्या हुआ, हैरान क्यों हो गए? दुखी दिल के जोश और जज्बे से एक औरत का बदला लेने के लिए न जाने तुमने कितनों को मौत के घाट उतार दिया। फिर सोचता हूं आज इस घर में आकर फिर तुम कुछ ऐसी ही हालत में फंस गए। जुल्म बर्दाश्त करने की आदत छूट चुकी है तुम्हारी। पता नहीं एक दूसरी औरत पर जुल्म होते हुए देखकर तुम क्या कर बैठो। पता क्यों नहीं, पल भर में साहूकार के बेटे की छाती में गोली अंदर और दम बाहर कर दूंगा। सारा झगड़ा ही खत्म नहीं होता। ना झगड़ा खत्म, उसकी लेनदारी तो जो की त्यों कायम रह जाएगी। पूछ देखो, यहां तो वकील मौजूद है। तो फिर तो एक मालदारों को लूटना पड़ेगा मुझे। इससे भी क्या होगा नादान आदमी, लूट की रकम से कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। सरकार हिसाब मांगेगी। फिर तो बस ऐसा ही लगता है कि राय साहब की तरह मदन लाल भी इस लड़की की कुर्बानी लेकर ही रहेगा। क्या होता है बलदेव की जीते जी? तू अखड़ आदमी है, सोच नहीं सकता। तू तो अकलमंद है, तू बता
है कोई तरकीब? है। मुझे मार डाल। तुझे? तुझे क्यों? क्योंकि मेरा जिस्म बेकार और मेरी लाश कीमती है। दिमाग खराब हो गया, तेरे मरने से क्या फायदा? बलदेव, अपने चचा की वसीयत के मुताबिक मेरी शादी के एक साल बाद मुझे बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है। और अगर तेरे नसीब में शादी न लिखी हो तो? फिर भी मैं ये रकम किसी के नाम भी वसीयत कर सकता हूँ, लेकिन ये रकम उसे मिलेगी मेरी मौत के बाद ही। मैं इस लड़की के नाम उसकी वसीयत कर दूं तो वो फौरन इस मुसीबत से आजाद हो जाएगी। तो कर ले वसीयत, मार ले गोली अपने आप। मेरे सर पे ये खून क्यों? डरता हूं कि मेरी खुदकुशी से लहू के छींटे उड़कर उसकी नेकनामी को दागी न बना दें, वरना तेरी खुशामद न करता। अबे, घंटे दो घंटे की मुलाकात में ही जान हथेली पे रख दी तूने। जान हथेली पर रखने के लिए तो पल भर की मुलाकात ही काफी है। तुझे जितना कहा है कर और चला जाए यहां से। मार गोली। आजकल गोलियां बहुत महंगी हो गई। देख बलदेव, तू मुझे नहीं मारेगा तो मैं तुझे मारूंगा। कामयाब हो गया तो तेरा इनाम उस लड़की को बचाएगा, मारा गया तो वो मेरी दौलत पाएगी। दोनों तरह से उसकी मुश्किल आसान होकर रहेगी। बोल क्या कहता है? बेवकूफ। सब बेवकूफ है। क्या बात है? बड़ी अनोखी बात है आज की। ये तस्वीर वाला जीवन दान करना चाहता है किसी के लिए। किसके लिए? उसके लिए जो औरत की सूरत में देवी बनकर इस धरती पर उतरी है, जिसकी शराफत आदमी को नेकियां करने पर रुकसाती है, जिसको मुसीबत से बचाने के लिए एक अदना सा नौकर मेरे मुकाबले में बंदूक तान कर खड़ा हो गया। मैं खुद उस साहूकार के बेटे को गोली मारने को खड़ा हूं। ये दीवाना उसी के लिए अपनी जान और माल कुर्बान करने को मचल रहा है। वो गोली खाए और सांप खाए। कौन? वो नौकर रामदास। दास सरदार। हजूर, हजूर, मलदेवा डाकू को गिरफ्तार कराने का इनाम 1,25,000 रुपया है ना? हाँ, क्यों? तो इंस्पेक्टर साहब जल्दी चलिए हमारे साथ। कहाँ? द्वारका प्रसाद जी के मकान पर। लेकिन तुम हो कौन? मैं उनका नौकर हूँ सरकार, जल्दी चलिए, नहीं तो वहाँ चिड़िया उड़ जाएगी और यहाँ हमारा इनाम उड़ जाएगा। वो बलदेव डाकू ही है तो चिड़िया बनकर उड़ भी गया होगा अब तक। नहीं उड़ेगा सरकार, नहीं उड़ेगा। मैं कह रहा हूँ यही तो मौका है, जल्दी चलिए। इसका क्या सबूत है कि वो आदमी जो तुम्हारे घर में है वो बलदेव डाकू ही है? ये देखिए सरकार, ये है ना, यही बलदेव डाकू है ना? है, मगर इससे मिलता जुलता कोई और भी हो सकता है। ऐसी उल्टी सीधी खबरें सुनकर हम कई बार धोखा खा चुके हैं। धोखा तो हम खाए गए हुजूर। हमारे ही हाथ में गोली ना लग गई होती तो हम ओकरी लाश ही लेके आपके सामने आते। इनाम के लालच में बलदेव की लाश का सपना बहुत लोग देख चुके हैं अब तक। जाओ, क्यों नींद खराब करते हो अपनी? रामदास, रामदास! अरे क्या हुआ, ये क्या हो रहा है इस घर में, कोई बताओ तो सही। रामदास, रामदास! सरदार, उस नौकर के लौटने से पहले हमें रास्ता पकड़ लेना चाहिए। खतरा सर पे सवार है, जल्दी करो सरदार। खतरा मोल लेने से फायदा क्या? दादाजी, रामदास नहीं है घर में। हाँ, कहाँ गया? पता नहीं, इनाम की लालच में पुलिस को खबर देने ना चला गया हो। अरे, इस बुढ़ापे में मेरी सुफेदी पे स्याही मेरे वफादार ही लगाएंगे क्या? चले जाइए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप चले जाइए यहाँ से। जाने से पहले मुझे कुछ हिसाब चुकाने हैं। नहीं नहीं, रामदास आपको मारना नहीं चाहता। उस भोले आदमी की भलिया कर मेरे बचाव के लिए और कुछ ना सोच सके। आने दो उस बुड्ढे को। वो मुझे बचाने की धुन में ये भूल गया कि वो किसी दूसरे की जिंदगी से खेल रहा है। मुझ पर रहम कीजिए, पुलिस के यहाँ आने से पहले ही चले जाइए। फैसले की घड़ी आ गई।
आज मुझे सब हिसाब चुकाना होगा। अब से बहुत देर पहले तेरे सीने में गोली उतार कर तेरे सारे लेन देन खत्म कर देना था, मगर शायद तेरा हिसाब मेरे हाथ में नहीं। गाड़ी की चाबी। क्यों? गाड़ी की चाबी। ये लो, तुम लोग फौरन रवाना हो जाओ। मगर आप सरदार, मुझे कुछ और हिसाब चुकाना। नहीं सरदार, हम आपको हम जाओ। अरे क्यों लेन देन के इस चक्कर में पड़कर तुम अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो? चले जाओ। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पांव पड़ती हूँ, अभी भी मौके भाग जाइए यहाँ से। समा, गाड़ी लेकर भाग गया है। कहां भाग गया? कैसे भाग गया? काहे को भागे दिए उसको? रमा बिटिया, हम अपनी जान पर खेल के तुम्हारी बदनसीबी को धक्का दिए जा, और तुम जानबूझ के उस साहूकार के जबड़े में अपनी गर्दन फंसाए दियो। ये का किया बिटिया? बोलो, वो धोखा दे गया है कि तुम धोखा खाए गई हो? देवा डाकू, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। अगर तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दोगे तो शायद सजाए मौत से बच जाओ। भागने की कोशिश बेकार है, तुम अब बच के कहीं नहीं जा सकते। कुत्ते की मौत मरने से चुपचाप सरेंडर करना तुम्हारे हक में होगा। मैं तुमसे फिर कहता हूं, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। और तुम्हारे पकड़ाई के इनाम से अपने मालिक का कर्जा उतारूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझ पर काबू नहीं पा सकती थी, मगर ये इत्तेफाक है, मेरा पिस्तौल खाली हो गया था। गोलियां तो हैं इसमें। जो हिसाब चुकाना चाहते थे वो सब चुका लिए? हाँ, सब सिवाय एक।
हुजूर, मेरी गिरफ्तारी का इनाम रामदास को ही मिलेगा ना? हाँ हाँ, जरूर मिलेगा। हुजूर, एक मिनट। देखता हूँ सबको बेवकूफ कहने वाले ने आज खुद ही को सबसे बड़ा बेवकूफ साबित कर दिया। आज कुछ मांगो तो भी? आज जो भी मांगो बलदेवा, दूंगा। उनमें से एक कागज मुझे दे रहा। मुझे मालूम था। मुझको यहां से जल्दी ले चलो। क्या ले क्या वो आपसे? अपनी गोपा। सीधे सच्चे लोग हमेशा इसी तरह कुर्बान होते आए हैं। कोई जाने ना।